चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। आज अपन टॉपिक क्या रहेगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है, और एक अपना टॉपिक रहेगा वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। तो पहले ये बताओ, मैंने आपसे बात करी थी कि गैसेस में क्या होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है ना। एक बात और बोली थी कि जो काइनेटिक गैस थ्योरी, काइनेटिक इक्वेशंस, गैस इक्वेशन, गैस लॉ, सारे कौन फॉलो करता है? आइडियल गैस। जो फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? रियल गैस। मैंने एक बात और बताई थी कि जो बिल्कुल इंट्रैक्शन कौन से गैसेस में नहीं होता, आइडियल गैसेस में नहीं होता। अब आपसे बोला मैंने कि बिल्कुल इंट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, मतलब ना तो डोमिनेंट फोर्सेस हैं, सॉरी ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, ना रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है, बट रियल गैसेस के लिए ऐसा नहीं है। रियल गैसेस में तो अपन फोर्स देखने पड़ेंगे। तो रियल गैसेस में अपन जो जैसे फोर्सेस का डेविएशन होता है कि कभी डेविएशन हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरफ, कभी कुछ केसेस ऐसी जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, कुछ केसेस ऐसी जहाँ पर आपका रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे। तो उसका जो डेविएशन बना था ना, वो साइंटिस्ट ने दिया था जेड नंबर से। जेड मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब कितना अपन किसी रियल गैस को आइडियल गैस से कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसी को अपन पढ़ने जाएंगे कि जेड माने क्या होता है। तो कहीं पर आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा आएगा तो वहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आएगी वो देखना है ना, कहीं पर आपका अट्रैक्टिव फोर्स कम आएगा, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा आएगा तो आपको जेड तो वो देखना है हमको। तो पहले तो आप ये देखो कि रियल गैस का सिंपल से बात क्या है कि द गैस इज बिच डू नॉट फॉलो काइनेटिक गैस थ्योरी, काइनेटिक गैस इक्वेशंस, काइनेटिक अजम्पशंस, रियल गैस लॉ है ना। अब आपसे बोला कि भाई जेड है क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम कैसे बोलते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख भी लेना कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पहली बात तो ये है कि इसको अपन जेड से डिनोट करते हैं। जेड इसका मतलब आपका जो डेफिनेशन के फॉर्म में आता है उसका ये होता है कि डेविएशन ऑफ रियल गैसेस। अब जैसे बात कर रहे हैं हम आइडियल और रियल गैसेस के बारे में, रियल गैस, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस से रियल गैस कैसे अलग है? तो डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल गैसेस, तो रियल गैस की कंडीशन आइडियल गैस से कितनी अलग हो रही है, कितना डेविएट हो रहा है उसका सिस्टम, उसको बोलते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जेड, ठीक है। अब जेड की वैल्यू आपकी हो सकती है या तो वन, ठीक है, या वन हो सकती है, या मोर देन वन हो सकती है, या लेस देन वन हो सकती है, ये तीन चीज़ें हैं। चलो वैल्यू तो बाद में देखते हैं, पहले अपन देखते हैं जेड होता क्या है। जेड सबसे पहले जो दिया था साइंटिस्टों ने, उन्होंने बोला था कि जो वी रियल गैसेस का रहेगा ना, वी माने वॉल्यूम, और आइडियल गैसेस का वॉल्यूम जो रहेगा उनका जो रेशियो रहेगा हमारे पास उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब वॉल्यूम से क्यों बात करी हमने? अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब समझ रहे हो आप, कंप्रेस हो रहा है मतलब वॉल्यूम में कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। कंप्रेस कम करोगे उसको तो वॉल्यूम बढ़ेगी, कंप्रेस ज़्यादा कर दो वॉल्यूम कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने इस पर, अब ये रियल यानी कि रियल गैसेस का वॉल्यूम, अच्छा जब रियल गैसेस मतलब नेचुरल गैसेस नहीं है, वो रियल गैसेस अपनी अपनी जो है नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। आइडियल गैसेस, हमने आइडियल गैस सब कुछ मानते हैं, आइडियल गैसेस का वी कैसे निकाल सकते हैं हम, पी वी स्कोल एनआरटी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ले देके आइडियल गैसेस की सबसे बड़ी थ्योरी कौन सी है हमारे पास, पी वी स्कोल एनआरटी वाली, यहाँ से वी निकाल लेंगे इसका, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। बट वी रियल हमको मेजर करना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि इसके कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और वो जो हैं रियल गैस के हैं, तो आपको ऐसे नहीं बोल पाओगे कितने मोल के हैं, आपको इसका जो है वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा, तब आपका बी रियल निकाल पाओगे। तो बी रियल आपको कभी भी निकालना नहीं पड़ेगा, आपको दिया जाएगा, अगर दिया क्वेश्चन में होगा तो। वी आइडियल निकाल सकते हो कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि वो आइडियल गैस का है। आइडियल गैस हमेशा आइडियल मतलब आइडियल हम हर जगह सेम मानते हैं, पी वी स्क्वायर एनआरटी हो गया। अच्छा, आइडियल गैसेस के लिए पी वी स्क्वायर एनआरटी हो गया, तो मैं अगर इस फॉर्मूले से वी को निकालता हूँ आइडियल गैस के लिए, तो कैसे निकालूंगा, एनआरटी अपॉन पी, ये हो गया। इसको हम चेंज कर लेते हैं, जेड इक्वल टू वी रियल अपॉन में आइडियल एनआरटी आ गई नीचे, ऊपर कितना आ गया पी, इसी को अपन जो है ऐसे याद करते हैं, पी वी रियल इक्वल टू पी वी रियल अपॉन में एनआरटी। याद करने का तरीका सिंपल सा होता है कि अपन पी वी इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हैं, या पी वी अपॉन एनआरटी पढ़ लो, इस तरीके से जेड की वैल्यू है। बात समझ आई यहाँ तक? क्योंकि आपसे पोस्ट जो एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जेड, चार ऑप्शन दे देगा, पी वी इंटू एनआरटी कर देगा, एनआरटी अपन पी वी कर देगा,
पीवी आइडल कर देगा यहाँ पर रियल की जगह पर। तो आपको याद रखना है वी रियल से छिड़कानी नहीं करनी हमको, हमको छिड़कानी करनी है वी आइडियल से एनआरटी अपॉन पी। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, वैसे नहीं आएगा इस पर क्वेश्चन, थ्योरेटिकली आएगा, अगर पूछेगा भी तो आपको ये याद रखना वी रियल हमेशा देगा, या तो टेम्परेचर पूछ लेगा या फिर छोड़ो पी वी टी देकर जेड पूछ लेगा। अब मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ से वैल्यू उठा के रख दी यहाँ पर, मैंने आपसे बोला था कि जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वन ग्रेटर देन वन और लेसर देन वन। तब वो कैसे क्या होगा उस पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, अच्छा वो इसकी डेफिनेशन लिख लेना, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडल गैसेस टर्म्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और डिनोट करते हैं जेड से। सबसे दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसके, एक जे वाला एक जे वाला, क्योंकि आपको हमेशा रियल गैसेस का अगर डेविएशन देखना है तो रियल गैसेस का आइडल गैसेस देखोगे तो रियल ऊपर आएगा। अब आप बात करोगे किसके बारे में, पहला पॉइंट इफ जेड इक्वल टू वन, दूसरा इफ जेड इक्वल टू मोर देन वन, तीसरा इफ जेड इक्वल टू लेस देन वन। अब तीन चीज़ें आती हैं आपके पास, तो या ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। अब देखो आप, हम जानते हैं जेड होता है पी वी अपॉन एन आर टी, ठीक है वो बट ऑबियस है कि वी रियली होगा, ठीक है। मैंने जेड इक्वल टू क्या बोल दिया, वन बोल दिया, इसको वन कर लो, पी वी अपॉन एन आर टी। अच्छा क्या हुआ, पी वी क्या हो गया, एन आर टी बराबर हो गया। ये कहाँ आती है, आइडल गैस में, इसको देख सकते हो या फिर ऐसे देख सकते हो, जेड क्या होता है बी रियल अपॉन बी आइडियल, जेड क्या अपन हो गया, बी रियल किसके बराबर हो गया, बी आइडियल के, दोनों चीज़ें किसके लिए होती हैं, आइडियल गैसेस के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब हलवा क्वेश्चन आ जाता है। अगर आ गया तो जो मान लो कि आपके पांच चार क्वेश्चन, चार नंबर वैसे फालतू के मिल गए। ये पूछ लेगा आपसे कि फॉर आइडल गैसेस जेड की वैल्यू क्या होगी, सिंपल जीरो वन टू थ्री वन आंसर, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसे आया समझ लिया आपको, पी वी स्क्वायर टू, कोई बोले कि ये तो वी तो रियल था, यहाँ पर आइडल कैसे रख सकते हैं, मैंने बता दिया वी रियल आइडल यहाँ पर बराबर है। तो आप आइडल रखो चाहे रियल रखो, आपका आइडल हो तो आपका सीधे सीधे किसका इक्वेशन आ रहा है, ये वाला आइडल गैस इक्वेशन, आप सिंपल सी बात है, जेड स्क्वायर टू वन आइडल गैस इक्वेशन है, पी वी स्क्वायर टू एनआरटी हो जाएगा, वी रियल वी आइडल के बराबर हो जाएगा। ये तो ठीक है सिंपल सी बात होती है, यहाँ देखते हैं क्या होता है, जेड स्क्वायर टू लेस ग्रेटर देन वन है, यहाँ पर जेड स्क्वायर टू ग्रेटर देन वन, जेड क्या होता है पी वी अपॉन एनआरटी, ग्रेटर देन वन पी वी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन एनआरटी। एक बात तो ये क्लियर है, बट यहाँ से कुछ हमें अंदाज़ा उतना लगा नहीं, हमें सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा कि जो वी रियल है वो जो है वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है क्योंकि तो वी की तरफ ही साइन जा रहा है, हमें अंदाज़ा लगेगा यहाँ से। देखो हम जानते हैं जेड की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, इस पर तो हमेशा स्टक रहना है हमको, याद हमेशा हमको याद रखना है इस वाले फॉर्मूले को, वो तो हम बाद में निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, वी रियल हो रहा है किसके, बड़ा वी आइडियल से। एक बात बताओ मेरे को, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब गैसेस पास आ रही हैं दूर जा रही हैं, बढ़ रहा है गैसेस कहाँ जा रही हैं, अच्छा दूर जा रही है, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स। बस ये बात जिसके समझ में आई उसका काम हो गया, जगह नहीं बची, जगह लिख लिया सब ना, ऊपर वाला लिख लिया ना भाई, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत काम आएगा आपके, चार पांच पेज मुश्किल से लगेंगे, आराम से काम आएगा, लिख लिया। देखो दोबारा देखते हैं इसको, हमने जेड क्या लिया था, मोर देन वन लिया था, हमने क्या बोला वी रियल वी आइडियल से क्या हो गया, ज़्यादा आ गया, ये बात हम देख चुके हैं यहाँ पर। अच्छा अब देखो मैंने क्या बोला,
जो आइडल गैस की वॉल्यूम थी या रियल गैस की जो आ रही है वो क्या ज़्यादा आ रही है। मतलब सीधी सी बात है, कंटेनर में अगर इतनी जगह पर वॉल्यूम थी गैस की तो बढ़ गई है, मतलब साफ हो गया। आपने बोला कि कौन से फोर्स जॉइन कर गए, रिपल्सिव फोर्सेस हो गए डोमिनेट, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए पीछे रह गए, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये पूछता है बिच ऑफ द फॉलोइंग डेविएशन रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस। हाँ, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि जेड ले ग्रेटर में बना रहा है, इसलिए एक से ज़्यादा आ रहा है ना, पॉजिटिव आएगा। आपसे ये पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएशन रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट्स एज डोमिनेंट फोर्स। आंसर क्या जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। सही दीजिए बात, ये तक क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या आया यहाँ से, जेड ग्रेटर देन वन, दूसरा वी रियल से ज़्यादा, तीसरा ये वाला रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस, चौथा पॉजिटिव डेविएशन। अभी लिखवा दूंगा अच्छे तरीके से। अच्छा, पांचवा एक और पॉइंट आता है, एक और आप ही बता दो मेरे को कि अगर गैसेस का मुझे लिक्विफिकेशन करना है, मैं बात समझ में आई, मतलब इसको लिक्विफाई करना है, मतलब गैसेस को लिक्विड में लाना है, तो इसमें क्या आसानी से आएगी कि दिक्कत से आएगी, कंप्रेसर्स को करना पड़ेगा कि कंप्रेस हो रही है खुद से। अच्छा, इसमें वॉल्यूम बढ़ रही है ना, गैस दूर जाने की कोशिश कर रही है ना, हमको क्या करना है, पास लाना है, बट जब दूर जा रही है तो लिक्विफिकेशन करना क्या है, आसान नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, गैसेस मेरी जो है इतने में फैल रही थी, अब मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर तो ग्रेटर देन वन किया, अब क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा में फैल गई, बट मुझे क्या करना था, लिक्विफाई करना था, मतलब मॉलिक्यूल्स पास लाने थे, इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, अपने आप दूर दूर जा रहे हैं, मेरे को पास लाना है, दिक्कत हुई। तो इसमें एक और पॉइंट आता है, लिक्विफिकेशन या लिक्विफैक्शन बोल देते हैं इसको, एक ही बात है, लिक्विफिकेशन इज नॉट ईजी। ये पांच पॉइंट जहां लगे मिल गए आपको, आपका काम हो गया, सीधी सी बात है पॉजिटिव डेविएशन आता है, सिर्फ पांच पॉइंट्स। इनका उल्टा कर दोगे वो जेड स्क्वायर टू लेस देन वन के लिए हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बता देंगे। तो आप ऐसे लिखो, यहां से कर देना स्टार्ट और इसको पॉइंट्स को लिख लेना, बाकी आप इसका देखो अब। अच्छा, मैंने बोला जेड स्क्वायर टू लेस देन वन, यानी कि नेगेटिव डेविएशन हो गया, क्योंकि जेड की वैल्यू एक से कम आ रही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो, जेड स्क्वायर टू लेस देन वन यानी कि वी रियल अपॉन वी आइडियल लेस देन वन, तो वी रियल कम हो गई कि नहीं हो गई, मतलब वॉल्यूम क्या हो रही है, रियल गैस के कम हो रही है, मतलब सीधी सी बात है इतने में थी तो कम हो रही है। अब बताओ आप इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स इतने में थे, मान लो कि इतनी जगह में थे, दूर दूर थे, पास आएगा, मतलब जितना पास आएंगे उतना अट्रैक्टिव फोर्स, सीधी सी बात, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर गया आपका इसमें, अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस। लिक्विफिकेशन बताओ, लिक्विफिकेशन हमको लिक्विफिकेशन करना था, तो इतने में अगर वॉल्यूम थी गैस की हमको पास लाना था उसको, वो अपने आप पास आ रहे हैं, पहले से पास आ रहे हैं ना, अगर पहले से पास आ रहे हैं तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से लिक्विफिकेशन हो रहा है मेरा, तो इसमें लिक्विफिकेशन करना कैसा रहेगा, ईजी रहेगा। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज ईजी। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, सिंपल से पॉइंट्स। अगर समझ लिया तो आप मुझे पता चल जाएगा आपको कि जे क्यों आया, जे क्यों आया, दो तीन बार समझो, दो तीन बार याद करो, बाकी आप अगर टाइम लगता है रिकॉल करने में तो रट लो, एक के लिए याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और यहाँ मैंने बता दिया आपको जेड इज इक्वल टू वन है तो क्या होगा कंडीशन, लिख लो इसके एग्जांपल और देखने पड़ते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखनी पड़ती है उसमें, वो ये है, पहले लिख लो एग्जांपल और इसका प्रेशर का क्या सिस्टम रहेगा,
रखल वाला सिस्टम के साथ अभी हो जाएगा, आगे हो जाएगा। लेकिन फिर भी लिख लेना यहाँ पर इट अकर्स जनरली एट हाई प्रेशर, अगर ये हाई प्रेशर पर कौन कौन से प्रेशर पर होगा, लो प्रेशर अभी बताएंगे बांटर वाले क्वेश्चन, उसमें आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि क्यों हाई प्रेशर पर था कोई, वो लो प्रेशर पर क्यों था, यहाँ प्रेशर से मतलब ही नहीं हमको, हमारी आइडियल कैसे क्वेश्चन। अच्छा अभी तक कोई दिक्कत किसी को, कौन सा फोर्स डोमिनेट कैसे किया, लिक्विफिकेशन कैसे हमने कर दिया किसी का, कोई दिक्कत किसी को नहीं? अच्छा इसमें पॉजिटिव डेविएशन में वो अलग सिस्टम है, पर मांडा वाले कैसे क्वेश्चन बनाएंगे ना तब बात होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं देखो एक्सपेरिमेंटल। देखो कंप्रेस वाला सिस्टम हमेशा याद रखना गैसेस के लिए हमेशा वॉल्यूम डोमिनेट करती है, गैसेस के लिए हमेशा वॉल्यूम डोमिनेट करती है। आप अगर आपसे बोला किसी ने कि आप वॉल्यूम और प्रेशर की बात करोगे, हमेशा याद रखना वॉल्यूम आगे प्रेफर करोगे आप गैसेस के लिए, खासकर रियल गैसेस के लिए। अगर आपने थर्मल फिजिक्स पढ़ा हो आपको कुछ याद हो तो 11th में हम क्या बात करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई कंटेनर है, चलो पूरा कंटेनर है मान लो मेरे पास ये गैसेस हैं, मेरे से बोल दिया किसी ने ये आइडियल गैसेस हैं, ठीक है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे से ये बोला जाता है, ये पढ़ाया जाता है आपको कि जो आइडियल गैस की वॉल्यूम होती है ना वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होती है। किसी को याद है ये बात? नहीं याद है किसी को? याद है। अच्छा ऐसा होता है, क्यों होता है? कारण उसका जो होता है कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने एक देखो पहली बात तो आइडियल गैसेस कैसी हैं, नेचुरल नहीं है, तो मैंने क्या बोला इनको एक अजम्पशन किया कि अगर मैंने इनको 21 जगह में जितने मॉलिक्यूल्स मतलब 15 मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास मैंने यहाँ बैठा दिए, तो वो बेचारे इतने सीधे हैं कि वहाँ बैठ भी जाते हैं। अब आप बताओ इतना बड़ा कंटेनर है, ये वॉल्यूम है, पूरे में फैल रही थी उतने फैल गई, पूरे वॉल्यूम कितना कंटेनर वाला बचा ना। अगर मैंने इनसे बोला कि एक काम करो चार यहाँ हो जाओ, चार यहाँ चार यहाँ चार यहाँ, वो यहाँ भी चले जाएंगे, मतलब आइडियल गैसेस का क्या है सिस्टम, उन्हें जहाँ भेजोगे वहाँ जा सकते हैं बट कहाँ तक, जहाँ तक कंटेनर। तो आइडियल गैस का हमेशा वॉल्यूम जो है कंटेनर के बराबर होता है पहली बात तो, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये रियल गैसेस है, रियल गैसेस का ऐसा कभी नहीं होगा, रियल गैसेस से अगर हम बोल नहीं सकते, अगर मैंने ढक्कन हटा दिया तो रियल गैस निकल जाएंगी, आइडियल गैस के केस में उल्टा है वो नहीं निकलती, ऐसा माना जाता है आइडियल गैसेस के बारे में। इसलिए मैंने बोला यहाँ वॉल्यूम वाली बात चल रही है, यहाँ वॉल्यूम वाली बात चल रही है तो प्रेशर अपन बीच में नहीं लाएंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम हमेशा डोमिनेट करता है। हाँ अगर वॉल्यूम वाली बात नहीं होगी तो मैं बोलूँगा प्रेशर के बारे में, इसलिए मैंने बोला कि अगर कंप्रेसिव फोर्स देखना है आपको तो आपको हमेशा वॉल्यूम पहले प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर वॉल्यूम की बात अलग करी है आपसे, यहाँ की बात अलग करी है आपसे, ठीक है ना। बाकी ये प्रूफ कैसे होगा वो जो है अभी बाउंड्री वाले क्वेश्चन में आपको आ जाएगा, आगे क्या जेड की वैल्यू निकल के आती है तो वो कमी निकल के आती है तो आपका लो प्रेशर पर आती है, ज़्यादा निकल के आती है तो हाई प्रेशर पर आती है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई आपसे? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं आता बट जब कोई थर्मल फिजिक्स पढ़ाता है तो बात जरूर करता है आपसे कि ये आइडियल गैसेस की वॉल्यूम हमेशा जो है कंटेनर के बराबर होगी, कारण उसका यही है कि उसको जहाँ भेजो वहाँ चली जाएगी। बट और दूसरी बात ऐसा होता क्यों है जी, इसके बहुत शॉर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं रियल गैसेस के और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो नहीं आते ऐसे, ठीक है ना, इसलिए बात हमेशा वॉल्यूम करते हैं अपन गैसेस के बारे में। इसमें आप एग्जाम्पल लिख लो यार, एग्जाम्पल इसमें जेड ग्रेटर देन मन में दो एग्जाम्पल आते हैं हाइड्रोजन हीलियम H2 और HE, इसमें H2 और HE आते हैं, जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन मन में, मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया उसने एग्जाम में तो पॉजिटिव डेविएशन, उसमें लिख लो जेड लेसर देन मन में SO2 HCl SO2 HCl NH3,
आपने लिख लिया है पूरा? आपसे पूछेगा मान लो कि SO2HCl, मैंने बोला आपसे तो विच आर द फॉलोइंग गैसेस शोज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, उसने दिया SO2HCl, NH3 हाइड्रोजन, है ना, आंसर क्या जाएगा? हाइड्रोजन H2, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन ही बोली मैंने। ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अच्छा आप क्वेश्चन कराएं कि आगे बढ़ाएं? इसमें क्वेश्चन होंगे कुछ। एक बात हो रहा है जो हम बताना भूल गए, मैंने आपसे बोला था कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये बोला था। देखो रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, Z=2 बनना है, बात करी थी। इसमें एक बात याद रखना कि कैन बिहेव एज आइडियल गैस, इसकी होती है एक कंडीशन दिया, दो कंडीशन मान लो, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, आज आ भी चुका है एक बार, याद रखना है। लो प्रेशर, हाँ इसको वेरी लो भी कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन में वेरी लो दिया है तो वेरी लो प्रेफर करना, कैसे होगा वो भी बता देंगे क्वेश्चन में। अभी वंडरवाल में टेम्परेचर इसमें घुमा देगा आपको, प्रेशर में टेम्परेचर में हाई कर देगा, प्रेशर टेम्परेचर लो कर देगा, तो वो याद रखना है हमेशा लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। एक बात ये हुई। अच्छा आप बताओ कुछ क्वेश्चन देने या फिर आगे बढ़े? पहले आगे बढ़े जाते हैं फिर। एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन बोलूं? देखो लिखो एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड टू बी 25 लीटर, टू बी 25 लीटर, देन फाइंड आउट द नेचर ऑफ गैस डेविएशन एंड टाइप ऑफ डोमिनेंट फोर्स, नेचर ऑफ गैस डेविएशन एंड टाइप ऑफ फोर्स डोमिनेंट, मतलब साफ है कौन सी गैस है, रियल गैस है कि आइडियल गैस है। दूसरी बात आपका कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। तीसरी बात कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है इसमें, रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। नहीं दिया बट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में दिया है वो, यही तो बात है। इस क्वेश्चन में अगर आपने वो पता कर लिया तो आंसर आ जाएगा आपका। सोचो कुछ ना कुछ तो दिया है क्वेश्चन में, अगर हिंट दे देंगे तो आंसर आ जाएगा यार। किसी को और आ रहा है? प्रेशर से मतलब ही नहीं है ना। अच्छा प्रेशर ले लोगे, वॉल्यूम क्या लोगे, टेम्परेचर क्या लोगे? अच्छा ये तो क्लियर है कि अपन को वी रियल अपन वी आइडियल लगाना है, वैसे तो पता करेंगे अपन। अच्छा एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होती है? 22.4 लीटर कहाँ होती है वॉल्यूम? 22.4 लीटर एसटीपी पर वन मोल कोई गैस होती है, उसकी वॉल्यूम क्या होती है? हिंट मिलेगी अब तो आंसर आ ही जाएगा। मोर देन वन है, हाँ तो कौन सी गैस है? पहली बात तो गैस कौन सी है, रियल गैस है कि आइडियल गैस है?
रियल गैस है, आइडियल गैस की होती है तो मतलब आंसर बना था ना उसका, ठीक है। और डेविएशन कौन सा है? पॉजिटिव डेविएशन। और फोर्स कौन सा डोनेट करेगा उसमें? रिपल्सिव फोर्स डोनेट करेगा। बस आंसर आ गया। खेल यहाँ पर 22.4 का है बस। अच्छा आया कि नहीं आया बताएं? आया नहीं आया? अरे मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा नहीं है। एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है एक मोल का? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा? 11th में पढ़ा है ना? कितना होता है? 22.4 होता है, याद आया। अच्छा जेड हमें देखना है। हम जानते जेड क्या होता है? वी रियल अपॉन, अरे 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 वी रियल अपॉन वी आइडियल होता है। अच्छा रियल उसने दे दिया। मैंने आपसे बोला भी था स्टार्टिंग में कि आपको रियल हमेशा देगा, इसलिए देगा क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं उसको, ना कि हम निकाल सकते हैं उसको। बट आइडियल हमको पता होना चाहिए, या तो वो आपको आइडियल के लिए हमें एनआरटी अपॉन बी में कुछ टी और पी देगा तो हम निकाल लेंगे, नहीं तो वो मैं ऐसी कंडीशन दे देगा जहाँ निकालना पड़ेगा खुद से। अच्छा वी रियल 25 दिया है, बात आती है इसकी। अगर ये निकाल लेंगे तो हमारा काम आ जाएगा कि हम देख लेंगे कौन सा बड़ा आ रहा है तो हम जेड निकाल सकते हैं। एसटी पर वॉल्यूम कितना होता है? एक बोल गैस का 22.4 लीटर रख दो इसको। अच्छा न्यूमीटर बड़ा आ रहा है, डिनोमीटर छोटा आ रहा है, मतलब क्या है वॉल्यूम के वो कैसी वॉल्यूम आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, मतलब क्या है? मोर देन वन, ये तो क्लियर है ना। जेड की वैल्यू कैसी आ गई? ग्रेटर देन वन, एक बात तो है। अब अगर जेड की वैल्यू इक्वल टू वन आती तो हमारा आइडियल गैस होता। मैंने पूछा आपसे सबसे पहले क्वेश्चन, टाइप ऑफ गैस कौन सा गैस है? ये रियल गैस है, एक बात क्लियर। दूसरी बात, डेविएशन कौन सा है? पॉजिटिव डेविएशन। तीसरी बात, टाइप ऑफ फोर्स डोमिनेंट, मैंने क्या बताया था पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाती है उन्हें पास लाना मुश्किल पड़ता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट अट्रैक्टिव फोर्स को करेंगे। सिंपल क्वेश्चन आंसर आ गया इसका।
अच्छा, इस तरीके के ग्राफ दिए रहते हैं बुक्स वगैरह में, दिमाग ज़्यादा मत लगाना इसमें। पहली बात तो ये है कि आपको एक बात क्लियर होनी होनी चाहिए, ये जो लाइन जा रही है वो कैसी है जेड इज इक्वल टू वन के लिए। अब आपसे अगर कोई बोले किसको इंडिकेट कर रहा है जी, आइडियल गैस को कर रहा है इंडिकेट, अगर ये आइडियल गैस को इंडिकेट कर रहा है तो बाकी ऊपर नीचे का कर रहे हैं, ये किसको कर रहा है रियल गैस को, ये भी किसको कर रहा नीचे वाला भी रियल गैस। अगर हम इससे बात करते हैं तो इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, डिविजन कौन सा हो गया पॉजिटिव, इससे नीचे क्या हुआ क्या हुआ, और क्या अपन आइडियल गैस सिर्फ जेड स्क्वल वन के लिए बोलते हैं ना, अगर कम है तो रियल गैस, ज़्यादा है तो रियल गैस, नेगेटिव डिविजन हो गया जो वाला, बस इतना याद रखना होता है। क्वेश्चन हमेशा सिंपल आता है, बिल्कुल सिंपल, आपको ये देखना है इस लाइन से आपको कंपैरिजन करना है, इस लाइन के नीचे जो जा रहा है चाहे वो स्टार्टिंग में जा रहा है चाहे लास्ट में जा रहा है, हो सकता है ऊपर निकल जाए, हमको ये बात करनी है कि नीचे जा रहा है मतलब क्या है, कहाँ कौन से वाले उसमें फील्ड में जा रहा है लेस देन वन में, मतलब कौन सा है नेगेटिव डेविएशन। अच्छा ऊपर जा रहा है पॉजिटिव डेविएशन है, एग्जाम्पल एच ही, इसका एच ही का है या एच टू का है, जेड की वैल्यू आपने निकाली कैसे थी, ये इसका जो है आपका जा रहा है पॉजिटिव डेविएशन की जेड इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन सॉरी पी वी अपॉन एन आर टी, तो अगर इनका देखोगे तो आपकी सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही दोनों की एच ई एच टू और एच ई की, जेड जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के बराबर, नेगेटिव डिवीजन के लिए उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव डिवीजन नीचे जाता है, वो कोई सा भी ग्राफ आपका नीचे से अगर उठ के जाएगा तो आपका आइडल गैस को रियल गैस बना देगा, किस तरीके से नेगेटिव तरीके से, आपको इतना याद रखना है ग्राफ में, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। ग्राफ अगर क्वेश्चन में आया आपके, आप ये देखो कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, अगर लाइन आपकी ऊपर जा रही है तो आप आंसर देखो पॉजिटिव डेविएशन, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन दे दे चाहे आपको रियल गैस दे दे चाहे वो आपको जेड इक्वल ग्रेटर देन दे दे चाहे आपको रिपल्सिव पोजीशन दे दे चाहे आपको एग्जाम्पल दे दे चाहे आपको लिक्विफिकेशन दे दे, कुछ भी दे सकता है आपको। इस तरीके से ग्राफ आया था आपका एग्जाम में, वो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो देखो क्वेश्चन करके, क्वेश्चन दिया था आपका क्वेश्चन पूछा था आपसे ए बी सी, ए बी सी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और पीक ग्राफ का, जेड की वैल्यू बंद दी थी यहाँ पर, अरे क्वेश्चन लिख ले भाई, ये क्वेश्चन आया था आपका 4-5 साल पहले एम्स में, मत कर करके देखो, ग्राफ लिखो और आप 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऑप्शन लिखो पहला एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर गैस बी, गैस बी बिहेव्स एज नॉन आइडियल, गैस बी बिहेव्स एज नॉन आइडियल, दूसरा ऑप्शन एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर गैस बी बिहेव्स एज आइडियल गैस, बी बी
बिहेव्स एज आइडल गैस। एट लो प्रेशर तीसरा ऑप्शन आइडियल गैस, आइडियल तीसरा ऑप्शन एट लो प्रेशर गैस ए बिहेव्स एज आइडियल गैस। एट लो प्रेशर गैस ए बिहेव्स एज आइडियल गैस। एट लो प्रेशर गैस ए बिहेव्स एज आइडियल गैस। तीन ऑप्शन हो गए आपके। पहला ऑप्शन है एट हाई प्रेशर गैस बी बिहेव्स एज नॉन आइडियल, दूसरा और तीसरा लो प्रेशर पर था। पहले दूसरे में गैस बी थी बिहेव्स एज आइडियल गैस, तीसरे में गैस ए थी। एक और ऑप्शन है एट लो प्रेशर, चौथा ऑप्शन एट लो प्रेशर गैस सी बिहेव्स एज आइडियल गैस। नहीं होगा दूसरा वाला, फर्स्ट वाला होगा। कैसे? एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर गैस बी बिहेव्स एज आइडियल गैस। कौन सा जा रहा है ऊपर? बिल्कुल फर्स्ट होगा। फर्स्ट क्यों होगा? लेस देन वन हो जाएगी, मोर देन वन होगी ना। हाँ बताया था, देखो नोट्स में देखो। और फिर आप ग्राफ में देखो ए का नेगेटिव डिवीजन है कि पॉजिटिव डिवीजन, वैसे भी पॉजिटिव डिवीजन। ग्राफ को तो मतलब खत्म मत करो यार। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है? आइडियल दिया है, बट मैंने तो यही लो प्रेशर पर जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो जे ग्राफ में देखो बी कहाँ जा रहा है, ऑप्शन किसका दे रहा है नेगेटिव डेविएशन का, वहाँ पॉजिटिव जा रहा है। ग्राफ गलत हो, मतलब क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या? गैस सी ए, हाँ ए हो सकता है क्या? कौन सा प्रेशर है? नहीं हो सकता ना, बात तो सेम ही आ गई ना। लो प्रेशर मतलब कौन सा वाला डेविएशन? नेगेटिव वाला, मैंने लिखाया था ना आपको। और ए जा कहाँ रहा है? पॉजिटिव, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन कौन सा? सी। सी का कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन है। सही क्यों नहीं है? सही होना चाहिए ना, लो प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन दिखा तो रहा है, गलत क्यों? चौथा ऑप्शन गलत क्यों? मैंने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग में करेगा सो उसी का मानता है, गलत क्यों होगा? अरे भाई चौथे में आइडल दिया है कि रियल दिया है? डेविएशन रियल गैस का होता है कि आइडल गैस का होता है, मतलब किस में होता है? रियल में तो होता है, रियल नहीं दिया ना चौथे में, आइडल दिया है इसलिए गलत। अच्छा मैंने तो एक बात यही बोली थी कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव्स एज आइडियल गैसेस, तो दूसरा तीसरा चौथा गलत कैसे हो गया ऑप्शन? अच्छा मैंने आपको ये बताया पहला ऑप्शन सही है, आप सबके सबके समझ में आ गया, दूसरा गलत है सबके समझ में आ गया, तीसरा गलत सबके समझ में आ गया, चौथा कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत थी रियल गैस नहीं दिया उसने। अगर नॉन आइडियल दे देता या रियल दे देता तो आंसर अपना बूझ सही होता, ये बात क्लियर है। मैंने ये बोला कि तीनों ऑप्शन सही तो हैं, लो प्रेशर पर हम जानते हैं वो लो की जगह वेरी भी कर देता तो भी आंसर मान लो अगर आना चाहिए था हमारा, तो रियल की जगह आइडियल, रियल गैसेज लो प्रेशर पर कैसे बिहेव करती हैं आइडियल गैस की तरह, तो तीसरा चौथा और दूसरा गलत गलत क्यों हो रहा है ऑप्शन? टेम्परेचर नहीं दिया, बिल्कुल सही बात, बात समझ में आई। हमें हमेशा दो कंडीशन देखनी है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तब जाके वो ऑप्शन सही होगा। चारों ऑप्शन में से आपको कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, बस इस तरीके का क्वेश्चन आता है वो भी एम्स में आया जाए, ये टफेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में सारा कुछ आएगा, टफ नहीं है आपके लिए, इससे भी सिंपल क्वेश्चन आएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो ये दे देगा क्वेश्चन, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएशन इज ट्रू, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सिंपल पॉजिटिव आंसर है, क्या जा रहा है इसमें? मैक्सिमम टफ क्वेश्चन पूछेगा नीट में आपसे, ये पूछ लेगा कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है इसमें, ए में रिपल्सिव फोर्स, सिंपल क्वेश्चन है भाई। या फिर नहीं तो आपसे यही पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, कि आपको ये दे दें ए बी सी डी, डी लाइन रिप्रेजेंट्स, डी लाइन रिप्रेजेंट्स आइडियल गैस, या फिर क्या बोलेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ डी लाइन इज 0 1 2 3 1
बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा इसका, आप तो टफ क्वेश्चन कर रहे हो। बात समझ में आई? चारों ऑप्शन भी। अब देखो बाइंडर वाले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सात आठ क्वेश्चन उस पर आ जाएंगे, बस चैप्टर खत्म। कौन सा करा लेंगे तुम बोलोगे यार? पहले ट्वेल्थ करा लेंगे, उसके बाद कराएंगे। अच्छा बाइंडर वाले क्वेश्चन देखो, आइडल गैस के लिए कौन सी क्वेश्चन दी गई थी, नाम क्या था उसका? अच्छा आइडल गैस को छोड़ो, रियल गैस की इक्वेशन दी गई, साइंटिस्ट थे वैन डर वाल, उनके नाम पर इक्वेशन पड़ी। इक्वेशन थी, सबको ये तो याद रहता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सारी बेकार आते हैं क्या? पी वी स्क्वायर एनआरटी याद रहती है? अब यहाँ आपको सिर्फ चेंजेस करने हैं, बी की वैल्यू वी माइनस एन वी, इसकी वैल्यू पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा पी क्या है? प्रेशर। एन क्या है? वी क्या है? टी टेम्परेचर है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, ए और बी क्या है? तो यहाँ पर ए और बी क्या होते हैं? वैन डर वाल कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो ए और बी क्या बताते हैं, पता होना चाहिए ना ए और बी क्यों हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। बात करते हैं ए के बारे में, तो सबसे पहले आपको बात याद रखनी है, इट शोज या रिप्रेजेंट्स इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हमने एक इंट्रोड्यूस क्यों किया? IMF के लिए, इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस के लिए। आपसे ऑप्शन है पूछे, चार ऑप्शन देकर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अबाउट ए, आंसर आपको पक्का IMF दे देगा पक्का। अब आपसे मैं पूछता हूँ, आपको P का पता है क्या होता है यूनिट? P का यूनिट, V का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, N का यूनिट मोल, टेम्परेचर का, और R का चेंज हो जाता है अपने हिसाब से। अच्छा अब मैं पूछूंगा A और B का वॉल्यूम कैसे निकालूंगा। अच्छा 11th में एक चैप्टर पढ़ते हैं यूनिट डायमेंशन एंड मोशन पढ़ते हैं, उसमें एक बात पढ़ते हैं कि हमेशा दो क्वांटिटीज तभी ऐड होंगी जब उनकी यूनिट सेम होंगी। मैंने इन दोनों को ऐड किया था तब ऐड कर पाया होगा इसको मैं, जब मेरी इस पूरे की यूनिट और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए थी। मैंने यूनिट सेम की, अच्छा यूनिट निकाल रहे हैं हम, यूनिट ऑफ ए, यहाँ से देखें यूनिट ऑफ पी किसके बराबर हो रही है, यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा ये बात समझ में आई कि ये मैंने ये क्यों लिखा, 11th में चैप्टर आता है यूनिट डायमेंशन एंड मोशन, ठीक है, ये हमारे पास एडिशन हो रहा है, ये सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मैं तभी किसी दो क्वांटिटी को ऐड कर सकता हूँ जब मैं दोनों की यूनिट सेम होती है। अच्छा एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, 5 mole प्लस 10 degrees Celsius इसको ऐड करके आंसर कितना आएगा? पानी मोल, आंसर नहीं आएगा ना, ये तो बात मानते हो ना, बस का आंसर नहीं आएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। एक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, दोनों के लिए हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए तभी हम ऐड कर सकते हैं। एक बात और, 5 liter into 10 ATM इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा?
आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा 50 लीटर एटीएम। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? एडिशन सब्सट्रैक्शन हमको यूनिट सेम चाहिए, इनटू में सेम चाहिए नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अब देख लो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, ए की निकालनी है हमें यूनिट, इनटू एन की यूनिट मोल स्क्वायर, बी की यूनिट लीटर स्क्वायर। इसको ए को निकालें कैसे आ जाएगा एक यूनिट, यूनिट ऑफ ए एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन, या फिर मोल माइनस टू कर सकते हैं, एक ही बात है ना। ये क्वेश्चन आता है नीट में, कोई भी एग्जाम हो सारे में आता है, आपसे यूनिट ऑफ ए पूछ लेगा। आप पढ़ के जाओ वंडरवॉल इक्वेशन, हमें यूनिट पढ़ाई नहीं दी, अब कैसे काम चलेगा। अब निकालने का तरीका सिंपल सा, इन दोनों की यूनिट सेम करनी तभी एडिशन हो रहा होगा। सेम करेंगे, ए का आंसर एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर यानी मोल माइनस टू। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हुआ? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ए क्या बता रहा है, ए क्या बता रहा है, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। अच्छा मैंने ए बढ़ा दिया, मतलब क्या बढ़ गया, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स बढ़ गया ना, मतलब फोर्स बढ़ गया तो लिक्विफिकेशन इजी हो गया कि टफ हो गया? इजी हो गया। अरे यहाँ देखो भाई, मैंने ए का क्या बताया था अभी, ए क्या होता है, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स होता है। मैंने ये बढ़ा दिया, मेरे पास चार क्वांटिटी थी, सबसे ज़्यादा एक क्वांटिटी थी मेरे पास, उसकी सबसे ज़्यादा ए था उसका, मतलब उसका सबसे ज़्यादा क्या था उसका, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स था, क्योंकि मेरा ए इंट्रा मोलिकुलर फोर्स के बराबर है। अगर मैंने सबसे ज़्यादा ये बढ़ा दिया मतलब उसका सबसे ज़्यादा इंट्रा मोलिकुलर फोर्स बढ़ गया, अगर सबसे ज़्यादा फोर्स बढ़ गया मतलब उसको कंप्रेस करना ईजी हो गया ना, अगर कंप्रेस करना ईजी हो गया मतलब लिक्विफिकेशन उसका ईजी हो गया। तो एक बात यहाँ से आती है कि जितना ए ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा, कौन सा फोर्स, आईएमएफ, उतना ही क्या होगा, लिक्विफिकेशन ईजी होगा। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको लिखो, बी के बारे में बात करते हैं, कोई नहीं, कुछ ए में कुछ पूछेगा ही नहीं आपको, सिर्फ तीन चीज़ें पूछेगा, एक ये पूछेगा आईएमएफ होता है ए, एक ये पूछेगा जवालाबाद, एक ये पूछेगा जवालीबाद, तीन चीज़ें याद कर लोगे आपका काम हो जाएगा, बाकी ये तो याद होनी चाहिए आपको। हो गया, हमने बात कर ली ए के बारे में, हमारा ये कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे बी के बारे में। अच्छा बी की यूनिट बताओ कितनी होगी, लीटर मोल, पक्का लीटर पर मोल। हम बात कर रहे हैं बी के बारे में, अब पहली बात तो दिखाता क्या है, इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसी को वॉल्यूम बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं करेक्शन वॉल्यूम, इसी को बोल देते हैं इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, हो गया। अब देखो यूनिट देखो, हम जानते हैं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन तब होता है जब दोनों की यूनिट सेम होती है, तो यूनिट ऑफ बी
इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एन वी, यहाँ तक कोई दिक्कत? वी और एन वी की यूनिट इक्वल कर दी हमने, वी की वॉल्यूम लीटर, एन की मोल, बी की निकालनी है, बी की कितनी आ गई यूनिट लीटर पर मोल, यानी लीटर यार लीटर मोल इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। एक बात याद यार ये रखनी है आपको, एक बात याद रखनी है। अच्छा बी बढ़ाएंगे तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा? इनकम्प्रेसिबल, मतलब कंप्रेसिबल क्या होगा, कम होगा, ये पूछ सकता कभी बार आपसे। लिक्विफिकेशन की बात सिर्फ ए में ही आती है, बी में नहीं आती। अब एक कहीं बुक्स में लिखा होता है, एनसीईआरटी का पता नहीं मेरे को, बाकी लिखा होता है इसकी यूनिट लिखी होती है, ऑर्डर लिखा होता है ए और बी का, तो ऑर्डर ऑफ ए 10^-1 से 10^-2 यूनिट क्या होती है इसकी? एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ बी ये होती है 2-4 लीटर पर मोल, ये याद कर लेना आप अगर एनसीईआरटी में दिया हो तो, मुझे याद नहीं। 1-2 याद करने का तरीका सिंपल सा है, ए पर 1-2 जाओ, बी पर 2 से स्टार्ट करके 4 पर चले जाओ उस कदम पर। क्वेश्चन पूछा तो अच्छी बात, नहीं पूछा तो कोई दिक्कत। हटा दें, अब देखो जल्दी से इसके 2-3 कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। मैं बात करता हूँ 3 जगह, एट वेरी लो प्रेशर, एट लो प्रेशर मतलब मॉडरेट प्रेशर, एट हाई प्रेशर। मेरे पास एक क्वेश्चन है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टू। अच्छा बहुत लो प्रेशर है, मेरे को बात करनी ए और बी के बारे में। अगर प्रेशर बहुत कम है मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ए और बी मानते हो बात, प्रेशर बहुत कम है मतलब गैस बहुत आराम से घूम रही है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये बात एक कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये बी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको निगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कुछ कम माइनस करोगे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। 1000 में आप एक माइनस करोगे कितना बचेगा? 999। कोई अंतर आया नहीं आया। वेरी लो प्रेशर पर वॉल्यूम हो जाएगा वेरी हाई, वेरी हाई, तो हम इसको कर देंगे नेगलेक्ट, हो गया नेगलेक्ट, ठीक है। अच्छा वेरी लो प्रेशर है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का क्या होगा, ए का क्या होगा? बहुत कम प्रेशर है, बहुत कम हो जाएगा ना, क्योंकि भाई बैरिलो अगर हमारे पास इतनी सी गैस थी, बैरिलो प्रेशर मतलब बिल्कुल ही फैल गई है, मतलब एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना दूर है कि कोई फोर्स ही नहीं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो जो है ये भी पूरा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए नेगलेक्ट तो पूरा भी नेगलेक्ट। ए में अगर ए हमारे पास 0.0001 है मान लो, उसकी इंटू किसी से करो आप, आंसर बहुत ही कम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बी मैंने नेगलेक्ट क्यों किया, ए मैंने नेगलेक्ट क्यों किया, बात समझ में आई? बी मैंने इसलिए किया नेगलेक्ट क्योंकि वेरी लो प्रेशर पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ये नेगलेक्ट, वेरी लो प्रेशर पर इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस वेरी कम लो होंगे, वेरी कम, बहुत कम, तो मेरा ये भी नेगलेक्ट। अच्छा यहाँ क्या बचा? पी, यहाँ क्या बचा? बी, यहाँ क्या बचा? आइडल गैस इक्वेशन आ गई, जेड की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 1। जेड की वैल्यू 1 कैसे निकाल सकते हैं इसमें? अच्छा जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमें जेड की वैल्यू क्या होती है बताना, पीवी के टर्म्स में
पी वी अपॉन एन आर टी। मैंने दोनों साइड एन आर टी का मल्टी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया एन आर टी का डिवाइड, क्योंकि मेरे को जेड चाहिए। क्या आंसर आ गया, यहाँ क्या आया वन, और ये क्या होता जेड। इतना सोचना नहीं है, अपन को पता है अगर आइडियल केस आ गया तो जेड स्क्वायर बनी होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा देखो, दूसरा लिख लो इसको, सारे लोग लिखो तो उसके बाद बताएंगे फिर। टाइम बहुत कम बच रहा है यार, क्वेश्चन ही नहीं हो पाए। हो गया। अच्छा, लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम कैसा होगा ज़्यादा, बट IMF पर इस पर इतना अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि वेरी लो प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर है तो ठीक ठाक IMF होगा। अच्छा, भी ज़्यादा है मतलब किसको हटा सकते हैं, इसको वैल्यू निकालो, पी का करो इंटू मल्टीप्लाई पी वी प्लस ए एन स्क्वायर इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर, कितना बचेगा? ठीक है, वी से भी कैंसिल हो जाएगा ये एन आर टी। मेरे को चाहिए जेड, जेड करने के लिए मेरे को क्या मल्टीप्लाई अपॉन करना पड़ेगा, एन आर टी का कर दूँ डिवाइड, अपॉन कर दिया मैंने एन आर टी, तो पी वी अपॉन एन आर टी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी अपॉन में एन आर टी, और एन आर टी इधर भी मैंने कर दिया डिवाइड, क्योंकि मेरे को जेड चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना चाह रहा हूँ मैं। ये क्या होता है जेड, ये क्या होगा, एन सी एन कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन में ए एन अपॉन में बी आर टी, ये क्या हो जाएगा वन। जेड की वैल्यू कितनी आई, वन माइनस ए एन अपॉन में वी आर टी। हाँ, जेड की वैल्यू वन से कम आ रही कि ज़्यादा आ रही है, माइनस लगाया मतलब कहीं ना कहीं वन से कम ही आएगी। अब याद करो मैंने क्या बोला था, जेड लेस देन वन में कौन सा प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, बताया था। अब बात प्रूव हो गई, यहाँ से बात समझ में आई। मैंने बोला था वहाँ पर लो प्रेशर, हाई प्रेशर पर जेड ग्रेटर देन वन होता है, मैंने लिखाया भी है। लो प्रेशर पर जेड लेस देन वन होता है, कहाँ से, इधर से। अब क्लियर हुआ, क्योंकि वन में अगर कुछ अपन सब चेक करेंगे, घटाएंगे कुछ, सीधी सी बात है एक से कम ही आएगा, 0.9 0.8 के आसपास। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अच्छा हाई प्रेशर पर लिख लो इसको, 20 10 15 मिनट रह गया। अच्छा यहाँ बताओ, हाई प्रेशर मतलब वॉल्यूम तो ठीक ठाक होगा, इंट्रामोलर फोर्स पर बताओ क्या होगा। मेरे पास मान लो ये गैस थी, आराम से घूम रहे थे, हाई प्रेशर मतलब बहुत हाई है, मतलब मॉलिक्यूल बिल्कुल चिपक गए दूसरे में, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा, जीरो हो गया। अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स जीरो हो गया या वेरी वेरी लेस हो गया, वेरी वेरी बहुत बहुत कम, टेंड्स टू जीरो, तो ये हट जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी, आगे सबके। मैंने बोला हाई प्रेशर है मतलब वॉल्यूम तो ठीक ठाक होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, बट इतना ज़्यादा हाई प्रेशर है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल ख़त्म हो गए, इतना हमने प्रेशर कर दिया उसमें, तो बिल्कुल चिपक गए दूसरे मॉलिक्यूल, मतलब बिल्कुल ही कुछ बचा ही नहीं है दोनों के फोर्स, बहुत कम यानी टेंड्स टू जीरो, अगर जो जीरो पूरा जीरो, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ए पर डिपेंड करता है। आप देख लो, पी वी माइनस पी एन वी इज इक्वल टू एन आर टी, मैंने इसमें डिवाइड कर दिया एन आर टी का, यहाँ जेड आ गया,
माइनस ये हो गया एन से एन कैंसिल पी वी अपॉन आर टी, यहाँ हो गया वन, जेड की वैल्यू क्या आ रही है वन प्लस पी वी अपॉन आर टी। अच्छा वन से ज़्यादा आ रही कम आ रही है, इसलिए मैंने बोला था कि हाई प्रेशर पर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन बनाती है, मतलब डेविएशन कौन सा आता है पॉजिटिव। यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो जेड इज ग्रेटर देन वन, सो यहाँ लेस देन वन या ग्रेटर देन वन, और यहाँ इक्वल टू वन मैंने लिखी दिया। कोई क्वेरी हो तो पूछो, तीनों चीज़ों में। अच्छा क्वेश्चन लिखो, द रियल गैस कैन बिहेव एज, रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस एट, रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस एट, पहला ऑप्शन 15 एटीएम और 200 केल्विन, 15 एटीएम एंड 200 केल्विन, 200। दूसरा ऑप्शन 180 एंड 273 केल्विन, 73 केल्विन। तीसरा ऑप्शन 0.5 एटीएम एंड 500 केल्विन, 500 केल्विन। चौथा ऑप्शन 15 एटीएम एंड 500 केल्विन। थर्ड आंसर हाई टेम्परेचर और सबसे लो प्रेशर कौन से में कंडीशन में आ रहा है, सबसे लो प्रेशर तीसरे वाले में, सबसे हाई प्रेशर कहाँ आ रहा है तीसरे और चौथे में, बट दोनों कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही हैं तीसरे ऑप्शन में। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, और लिखो एक क्वेश्चन, अभी तो है 5 मिनट। Which gas can be easily liquefied? Which gas can be easily liquefied? Option है NH3 Cl2, दूसरा ऑप्शन Cl2, तीसरा ऑप्शन SO2 S सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन CO2। और इसमें गिवन दिया है आपको NH3 का, चारों की आपकी एक ही वैल्यू दी है ना, तो A फॉर NH3 दिया है 4.1 लिख लेना, CO2 के लिए A दिया है आपका 3.5, NH3 के लिए दिया है 4.1 A की वैल्यू, CO2 के लिए दिया है 3.5 A की वैल्यू, SO2 के लिए दिया है 6.7 A की वैल्यू, एंड Cl2 के लिए दिया है 6.4 A की वैल्यू। SO2 आगे समझ में, जिसके लिए A ज़्यादा उसके लिए इंट्रामोलर फोर्स ज़्यादा, उसके लिए लिक्विफिकेशन ज़्यादा, क्योंकि उतना आसानी से उसको हम फोर्स से कंप्रेस कर सकते हैं। किसका समझ में नहीं आया वाला क्वेश्चन? हाँ एक और क्वेश्चन लिखो, एट हाई प्रेशर बांडरवाल इक्वेशन बिकम्स। ऑप्शन दिए चार, पहला पी वी इक्वल टू आर टी, दूसरा पी वी इक्वल टू आर टी प्लस पी वी, तीसरा पी वी इक्वल टू आर टी प्लस ए वाई वी, चौथा पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर।
इसमें लिख लेना मोल्स इज इक्वल टू वन, एन की वैल्यू वन लेना। किस किस का आया निकालो जल्दी। सबने लिख लिया ये पूरा? अच्छा क्वेश्चन किसका आंसर नहीं आया इसमें? अच्छा हाई प्रेशर पर क्या करते हैं अपन? हम जानते हैं हाई प्रेशर वॉल्यूम का उतना चेंज नहीं कर सकते हम, बट इंटरमोलर फोर्स बिल्कुल टेंस टू जीरो हो जाते हैं। मैंने इसको डाल दिया पी वी माइनस पी एन वी इक्वल टू एन आर डी, यहाँ तक क्लियर? एन की वैल्यू वन ले ली, एन की वैल्यू वन ले ली तो क्या आया पी वी माइनस पी वी इक्वल टू आर टी। इसको यहाँ पहुँचा दो, पी वी इक्वल टू आर टी प्लस पी बी, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सेकेंड आया। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, विच आर द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन वैन डर वाल गैस इक्वेशन, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन वैन डर वाल गैस इक्वेशन। चार ऑप्शन दिए, बताओ आंसर इसका। अरे आंसर बताओ क्या हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्स किस कौन रिप्रेजेंट करता है? ए। वैन डर वाल गैस इक्वेशन में ए की क्वांटिटी किसकी यूनिट के बराबर आ रही है? प्रेशर वाली के। अरे ए की हमने यूनिट कहाँ से निकाली थी? प्रेशर तो निकाली थी, तो ये वाली टर्म्स कहाँ दिए ऑप्शन में? इधर खत्म बात, ऑप्शन के अनुसार चलोगे ना यार। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कुछ है करके देख लो इसको, आर ओ टी का करो, करोगे मिल गए तो आ जाएगा प्रेशर, प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम आएगा। दूसरा देखो, वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तीसरा देखो, पी प्लस ए अपन बी स्क्वायर। चौथा देखो, आर टी माइनस वन। ठीक है ना, पहला ना दूसरा ना चौथा। अगर आपको सिंबल ए का एक उसने वो दे दिया कि यूनिट दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऑप्शन तीसरा दे रहा है ना, पी प्लस ए अपन ए एन स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। उसमें अरे यार इसको बीस पर कर लेना यार। मोल तो इसमें दिया नहीं तो बनी होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यूनिट के हिसाब से। मतलब यूनिट क्या है, उसने वैन डर वाल इक्वेशन पकड़ लिया पूरा। अगर आपसे ये बोल दिया किसी ने कि बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बी नहीं करेक्शन बोल लूँ कौन डिपेंड करेगा, तो आपको ऑप्शन जो देगा तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा जो वाला। ठीक है ना, तो आंसर आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? तीसरा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। उसने आपको क्वेश्चन पूछा था ना वैन डर वाल के इक्वेशन में ए क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, तो तीसरा ऑप्शन होगा। अच्छा कोई दिक्कत हो गया? बस इतने चैप्टर है, बस ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ।